نستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا یہ ایک اعتباری چیز ہے،
वो तो हमारी चीज है और ये एतकादी चीज है। नबी जो कुछ आप बताते हैं वही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर को दुनिया के बेहतरीन वो लोग हैं कुरान को पढ़ते बात है। ये बड़ी शहादत की बात है। फरमाते हैं ये इल्म सोदा ही को दिया जाता है कि कदर होगी तभी तो हम उसकी कदर सौदा ये इल्म सोदा शहादत बन है उन्हीं लोगों को दिया जाता है। इंदिरा अपनी मार्फत भी हमको होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने वज्र कर्म से इस सिलसिले में रखा है। ये जरूरी सिलसिला है, सिलसिला तो जब है इससे पर भी कोई डर होता तो कहा जा सकता है ये सिलसिला वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मैंने खुद देखा है जो बात किया किताब में कि ये सिलसिला गाय हरा तक पहुंचता है जिसकी मुस्तरशिया इसके कदर भी हमारे देख हो जाइए जिन में हम कदर बैठाए अल्लाह ताला ने हमको इस चीजें के रखा है वो इनाम फरमाया है। बहुत बड़ी शहादत से हमको रवाना है कि अल्लाह ताला ने हमको इस चीजें के रखा है। जब इसका इश्तेहार होगा तो उसके मुताबिक हमारे घर होगा। इसका इश्तेहार हमें एक मुबारक सिलसिले से मुंसलिक है। जब ये इश्तेहार होगा तो उसकी कदर होगी और उसके मुताबिक अमल करने की भी तौफीक होगी। इस तरह पर यह सिलसिला जो मुबारक सिलसिला है उसके तकाजों को अमल करना उसके हक को अदा करना हम सब लिए है। जो मुअज्जिन हो उनको भी और मुताज्जिन हो उनको भी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आलिमन औ मुताज्जिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिबन है हदीस है। आलिम बन जाओ या मुताज्जिन बन जाओ या सुनने वाले बन जाओ या उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ यह हदीस है। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अकरम हूँ अकरम इकराम है। ऐसे लोग इकराम नाजिम है जो हामिले अपराध है हामिले जानी से जो इनका इकराम करेगा वो अल्लाह का इकराम करेगा। तो उसने हुजूर का इकराम दिया अल्लाह का इकराम दिया। इंदिरा को अल्लाह तआला ने हमको हम तमाम लोगों को कोई नहीं हम तमाम लोगों को इस सिलसिले से मुंसलिक किया है। किसी दर्जे में ताल्लुक के सिलसिले में या तारीख के या इस्तेमाल के या मोहब्बत के वह सब काफी मुबारकबाद है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक अता फरमाए। आपने खैर उम्मत ताल्लुक और कुरान वाला वो बयान नहीं होगा मैं एक हदीस से आगे के पढ़ी है। खैर उम्मत ताल्लुक और कुरान वाला वो खैर उम्मत बेहतरीन जो है अल्लाह की तरह दावा देते हैं पढ़ने पढ़ाने के बाद में दोस्तों इसका दाइया और जल्द भी होना चाहिए। इस चीज को हम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए हम लोग ज्यादा जानते होंगे बराबर की कोशिश करते थे पढ़ पढ़ाने क्या करोगे बताएंगे कि कोई शहादत को समझ लेते हैं हम लोग कारवा देते हम लोग सिलसिले में रहेंगे जैसे पढ़ सिलसिले में है तो आइंदा भी सिलसिले को हम जारी रखते थे। बड़ी बात दोस्तों इस तरह पर सिलसिले को जारी रखना हमारे लिए शहादत की बात है। ख्याल मंत्रालय पढ़ वाले हो ये तो है ही है ख्याल मंत्रालय बातें वो है जो अल्लाह की तरफ दावा देता है। दावा तो चल रही है अयाशी फहाशी दावा भी चल रही है सियासत बल्कि घर सियासत की तरफ भी दावा चल रही है। दावतें तो चल रही है मगर बेहतरीन दावत वही अल्लाह की तरफ दावत हमको अल्लाह तला ने मौका
दिया है कि हम अल्लाह की तरफ दावत है, बहुत से लोगों को इसी तरफ भी मिली वहां पर मिलेगी, मगर हमको मौका दिया है कि सिलसिले में जा सकते हैं। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के महबूब बनाओ, अल्लाह के बंदे अल्लाह के महबूब बन रहे हैं, गैर महबूब नहीं है। महबूब का तरीका नहीं क्या करो, महबूब का तरीका क्या करो, हमको मखदूमी में से नहीं होना है, न मखदूमी का दावा देना है, बल्कि वो लोग जो मखदूमी में से मकबूलिन में से उनकी तरह हमको दावा लाया। हमारा वतीरा, हमारा तरीका, हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह का तरीका बताएंगे, लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, ए अली, एक आदमी की दुआ जैसे अगर हिदायत हो जाए तो खैर दुनिया से बेहतर चीज है, दुनिया माफिया से बेहतर चीज है। एक आदमी को हिदायत आपके इल्म से या अमल से या कहने सुनने से पढ़ने पढ़ाने से अगर हिदायत मिली और जहालत से हमने निकाला तो बड़ी बड़ी दौलत है। हमारे अंदर मौलाना फरमाते हैं कि पहले दौरे जाहिलियत कहलाता था, सही है, लेकिन इस जमाने के दौरे जाहिलियत है और उससे फर्क है, मुझे खुद पता नहीं देता दौर, इस दौर में हमको पार करना है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे, कल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस सिलसिले में रखें और इस सिलसिले के हक अदा करने की हमको तौफीक बराबर फरमाए। फरमाए खैर बंदों को महबूब बनाए, महबूब है दुनिया, महबूबियत बदल जा रही है। आपका काम है जो गुजरात के महबूबियत के दायरे में आए, महबूबियत के सिलसिले में दाखिल करें। इस वजह से सब इसके बाकी सीखिए कितना काम किया बारिये जलवाओ के समझे आते हैं। देखिए मैंने हजरत माशा बार बार उनका मकबूला सुना कि जब मुझसे कोई पूछता कि बड़ा मिजाज आपका कैसा है, क्या मिजाज पूछते एक काम के पास एक किसी को मजल नहीं किसी थे, इसके बावजूद फरमाते थे कि क्या मिजाज पूछते हो, जब अल्लाह की तरफ से मिजाज हो रहा है कि जल्द मुझे जल्द मुझे मेरा मिजाज पूछना, इतना खौफ और खुशी है तुम्हारे, इतने बड़े काम करने के बाद अपने को कमतर समझना, ये बहुत बड़ी दौलत की बात है और यही होना चाहिए। बड़े छोटा काम करके आदमी को सोना चाहिए कि अल्लाह कबूल कर दे तो सब कुछ है, न कबूल करे कोई हैसियत नहीं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। लाखों खूबियों वाले हो जाए, इल्म वाले हो जाए, अगर आप कबूल कर ले तो सब कुछ है, इस दिरा में इसी जवाब होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि हम जिस इल्म में है अल्लाह ताला उस इल्म के हमको कदर करने की तौफीक दे, हम किसी से कमतर नहीं है, एहसास नहीं हमको उतराना हो। अभी हमने बयान किया बहुत काम करना था कि दारुल का जलसा हुआ है, दारुल देवबंद का बहुत बड़ा हुआ था जिन्हें हजरत मौलाना मिर्ज़ा जी की तकलीफ भी हुई थी। हम लोग कह पाया पसंद खासा गया मेरा ख्याल है मगरिब बाद से इशारा करीब खड़े होकर कार्य करने लगे, देखो एहसास मुबतला ना हो, ये जो तरीका है ये बहुत बड़ा तरीका अल्लाह के नजदीक बहुत इसकी अजमत है, हमको भी इसकी अजमत पर मजबूत रखना चाहिए। जब हमारी अजमत को हम मजबूत रखेंगे तो उसके मुनासिब अमल भी करेंगे, अपने अखलाक में दुरुस्त करेंगे, अपने मुआवजात के दुरुस्त करेंगे, ताकि इस मजमन में फजूल न बना पाए। मैं गया था वो एक होटल वाले थे, बड़े आदमी थे, उन्होंने मुझे कहा महाराज लोग आते हैं अपने को कमजोर करके साथ जाते हैं, नहीं वहाँ इज्जत के साथ रहो, मालूम उनको कोई नेमत नहीं है, कोई दौलत है जिसकी ताजी खुद हमारे जिम्मे है, ताजी खुद हमारे जिम्मे है कि हम अल्लाह ताला के उन लोगों से हैं जो मुंतखब समझे आते हैं। हम अल्लाह ताला के मुंतखब रहते किसी से इकट्ठा किया किसी के सामने झुकना का अपनी तालीम को तरबियत को पेश नजर रखो, अपना वजूद अपने फवायद को सामने रखो, अपनी हयात और अपनी जरूरत को पेश कराओ, और सबसे बड़ी चीज है आपका
अपने अखलाक को दूसरों को अखलाकियात के तालीम बहुत शरीयत है। अखलाक बहुत बड़ी नेमत है। इस सुन्नत का इस किताब का जो तरीका है ये लगातार आपको दिखाती खुद नबी अकरम को अल्लाह ताला ने इन निकटार आपको हम तुरफे अजीम पर हैं। हम बड़े इल्म के दाई हैं और हामिल हैं तो फिर हमको उसी तरह के अखलाक भी इख्तियार करना चाहिए दोनों में मुसाफत हो। इल्म है वो इसको व्यवस्था में मतलब था वो इसको मौजूद दो ही चीजें पढ़नी है। मैं महबूस किया गया हूँ मुआजिम बना करके और मैं महबूस किया गया हूँ अखलाक की तालीम के लिए। इस बया में दोनों में जोड़ है। जब इल्म हो उसी तरह का अखलाक हो ऐसे अखलाक जो छोटे लोगों को होते हैं उसने हमको आपको गुरेज करना चाहिए ताकि हमारा इल्म आदि बर्दाश्त होने पाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है ये इल्म छोटी का इल्म है। इस जगह पे कोई इल्म नहीं है और अक्सर फरमा दे कुरान हदीस का इल्म पढ़ाते थे हम लोग को अजीब अजीब अंदाज से इस इल्म को कम न समझो। इस इल्म वाले का बहुत बड़ा दर्जा है। इन अजीम अल्लाह के अजीम पर है। आप मजमून नहीं हो अब भी है मजमून आदमी ऐसे आली अखलाक नहीं प्यार कर सकता। वो लोग कहते थे मजमून नून कल में हमारे सुन वहां अंत बिने मजमून आप मजमून नहीं है। जो मजमून होता है ये पसंद चलाता है ऐसी तारीफ नहीं करता। मालूम हुआ कि मजमून होना और चीज है और अल्लाह ताला के काम में मुनहमिक होना और उसको ठीक पहुंचाना ये और चीज है। इतना हो गए दोस्तों हम लोग उसी सिलसिले में अपने इल्म से हम दूसरों को दफा पहुंचाएं अपने इल्म से दूसरों को रोशनी दें। फरमाते हैं आलिम या आलिमों तुम वो नूर थे जिससे लोग नूर हासिल करते थे। अगर तुम ही बेनूर हो जाए वहां तो मैं हूं अगर तुम ही बेनूर हो जाओगे तो लोग कहां से नूर हासिल करेंगे। अरे उलमा तुम नमक थे तुम्हारे जरिए से चीजों की हिफाजत करने से करने से की आती है। अगर तुम खुद हासिल हो जाओगे तो दूसरे चीजों की अचरा कैसे हो सकती है। हम सब इसी तरीके पर है कोई पहले से है कोई बाद से है मगर हर वो तरीक इस वजह से इस तरीक के आजमत होना चाहिए। अल्लाह ताला की तरीक है अल्लाह ने जरिया हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो शख्स को जो रस्सी पकड़ेगा जरूर कामयाब होगा। हमारे हजरत पाप मोहम्मद से कहते कि ये वो रस्सी है सबके टूट नहीं सकती ये रस्सी हम लोग आपको भूल गए वो सही रहनुमाई करता है। हम अगर उसकी तरफ से बफरत करते हैं तो उसके खराब की बातें सारी हो सकती हैं। इस तरह पर इस चीज का लिहाज करते हुए हमको ये इदारा अलहमदिल्ला इदारों में से एक इदारा है जहाँ दीन और इस्लाम की तालीम होती है दीन और इस्लाम के अनुवाद की इशात होती है उससे इससे बात होता है हमारा है। कितनी किताबें आ रही है हजरत मौलाना उमर से तकबीर अहमदिल्ला ने कितनी किताबें दावत अजीम भी देखी है। मैंने दो किताबें देखी है दावत अजीम मेरी किताबों में कोई मौत की उसका दिन था कहा कि ऐसे किताबों का तुम हवाला देते हो हमने भी नहीं देखा जो मैं देखता हूँ किताबों को अभी देखा देखा देखते ही रहता हूँ दावत अजीम भी देखा अल्लाह ताला और भी किताबों को देखा अल्लाह ताला हर मौलाना के बाबू नूर से पढ़ते आप उस सिलसिले को हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राव साहब मुद्दू भी चलाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा था कि हजरत मौलाना ने मैंने चार साल लगाए नजर में आप मजीद चार साल लगवाइए अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस इदारे के लिए कदर की तौफीक दे। आप हजरात आए इल्म के लिए आए और इल्म ही नहीं बल्कि अमल के लिए आए अमल ही नहीं बल्कि अखलाक के लिए आए। क्या अखलाक थे हजरत मौलाना अली के वो हम खुद इनकी किताबें में देखा है। हजरत मौलाना के क्या अखलाक थे क्या उनके सिफात थे उस सिफात को भी देने की जरूरत है। सिर्फ नहूस से नहीं बल्कि मवानी को भी देखिए कौम जहूर धर्म हारी रफ्तर जहूर धर्म इन कभी आसमान दिगर एक कौम वैसे है जो नकूस से लेकर के मानी में अल्फाज से लेकर के मानी में पहुंची हुई है। इतना हमारा आपका ये भी एक होना चाहिए इसलिए नकूस तक न रहे
सिर्फ अल्फाज न रहे बल्कि उसके मानी से भी अपने कल्ब को हम मुरस्सा करें और मुनव्वर करें। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे, हमारे गुरुओं को मुनव्वर करना दे। अल्लाह नबी कर दिए मैरिक, अल्लाह मस्तहकीर कर दिए मैरिक, मुनव्वर कर दी जरूर पाक दी। हमारे गुरु से जो गैर चीजें हैं उससे हमारे गुरु को पाक होना चाहिए। नूर इलाही, नूर कुरान, नूर हदीस से हमारे गुरु को मुनव्वर करना दे। रब बरहमत फरमा दे। इनका दस्तूर है।